हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं एक टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जो है फौजी गेम के बारे में। जब ये फौजी गेम रिलीज होने की बात आई, तब पबजी बैन भी हुआ था। तो बहुत सारे लोग ये अजम्पशंस बना रहे कि भाई ये पबजी बैन के पीछे किसी का हाथ है, मतलब कोई पहले से प्री प्लान्ड आइडिया है। हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कुछ बात है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस वीडियो के मतलब फौजी गेम के बारे में बहुत सारे रिव्यूज़ दिए थे, तो उन रिव्यूज़ में से जो मेरे को क्रिटिकल और थोड़े जो लगे कि उनके पॉइंट्स गलत है, तो वो मैं पॉइंट्स सही करना चाहता हूँ। तो सबसे मेन पॉइंट है कि भाई वो लोग कह रहे हैं कि 20% आर्मी को दे रहे, तो उसके जगह 100% क्यों नहीं देते। तो इस पॉइंट का एकदम ईजी आंसर है, और जिसके पास थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस होगा तो आराम से आंसर दे देगा इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का आंसर ये है कि भाई, चलो इस चीज़ का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको मैगी बनानी है तो सबसे पहले क्या लोगे? पानी लोगे, एक बर्तन लोगे, मैगी लोगे ऑब्वियसली, और एक वो लोगे क्या कहते हैं, गैस। तो वैसे गेम्स बनाने के लिए आपको एक टीम चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट इंटरनेट चाहिए, एक बहुत अच्छा कंप्यूटर चाहिए, और एक जगह चाहिए जहाँ पे उनकी पूरी टीम रह सके, उनको बात करने के लिए, वो उस गेम के बारे में डिस्कस करने के लिए, और एक स्ट्रेटजी वगैरह बनाने के लिए गेम के बारे में। तो उस वो इन वो सब चीज़ें लाने के लिए उनको इनकम कहाँ से आएगी? गेम से। तो वो गेम की इनकम तो ऑब्वियसली 100% तो कोई नहीं देगा, उसमें से भी वो 20% आर्मी को दे रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई दूसरा टीम वाला मतलब कोई दूसरे गेम कंपनीज करते नहीं है, लेकिन ये टीम क्या कह रहा हूँ मतलब ये कंपनी ने किया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें इस चीज़ का सपोर्ट करना चाहिए। मतलब ऊपर से जो अक्षय कुमार है, वो भी अपनी सारी इनकम तो देते नहीं है, वो भी अपने पास रखते हैं, क्योंकि उनकी भी फैमिली, उनको भी घर चलाना होता है। तो वही बात है, इतना तो कॉमन सेंस आप में भी होगा कि सही क्या है गलत क्या है, उसका आंसर आराम से दे सकता है। लेकिन मेरे को लगा नहीं था कि इतने बड़े यूट्यूबर्स जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स से ऊपर है, वो लोग इतनी बकवास बात करेंगे। ये तो भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और दूसरा पॉइंट है कि वो लोग कह रहे हैं कि ये गेम का पोस्टर कैसे चुराया हुआ है। तो पहली बात, वो चुराया नहीं है, उसे ख़रीदा गया है। जहाँ से ये फ़ोटो लिया है, वो स्टॉक, वो शटर स्टॉक कोई एक वेबसाइट है, वहाँ से ख़रीदा गया है। शटर, मेरे को वेबसाइट का नाम तो पता नहीं, लेकिन वो वेबसाइट फ़ोटोज़ को बेचती है। तो उन लोगों ने गेम खरी वो फ़ोटो ख़रीदा है, तो वो ऑब्वियसली बात, तो वो फ़ोटो उनका हुआ, उनकी मेहनत हुई। और वो फ़ोटो एकदम रियल वाला नहीं है, तो वो उन्होंने बस एक टीज़र या पोस्टर निकालने के लिए किया था। अभी तक तो टीज़र भी नहीं निकला, बस एक पोस्टर निकालने के लिए, ताकि इस गेम के बारे में थोड़े लोगों को नॉलेज हो सके। इसलिए उनके भी पास भी टीम है, वो भी जानते हैं कि भाई एक गेम बना रहे तो भाई ये छोटी मोटी चीज़ें हम लोग डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा, वो उनको खुद बनानी पड़ेगी। तो ये भी बात ये यूट्यूबर्स ने की, तो ये भी बकवास लगी मेरे को। यार, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स इतनी बकवास बातें कर कैसे लेते हैं, यकीन नहीं होता। और एक और पॉइंट था कि लोग कह रहे हैं कि ये गेम का नाम भी कॉपी है, कॉन्सेप्ट भी कॉपी है, तो इस गेम को खेलने का मतलब नहीं। तो देखो, नाम कोई कॉपी नहीं है, भले वो रिदम में मैच होता है, पबजी फौजी, वो कोई सेंस नहीं बनाते इस बात को। आप लोग बड़े लोग हो, थोड़े बहुत दिमाग खुद ही लगाओ। और दूसरी बात है कि गेम का कॉन्सेप्ट कॉपी किया है, तो गेम का कॉन्सेप्ट कॉपी बिल्कुल नहीं किया है। पहली बात तो ये बात किसी ने बताई भी नहीं कि भाई ये गेम बैटल रॉयल होगी या फिर स्टोरी मोड होगी। तो जब तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन पूरी ना मिले कि ये बैटल रॉयल है या फिर कोई स्टोरी मोड गेम है, तो जब तक उससे पहले अपनी बकवास ना किया करें, पहली बात। और अगर वो बैटल रॉयल गेम बनाते हैं, तो बैटल रॉयल गेम एक अलग से एक फील्ड है, एक गेम की फील्ड है, तो उसे कॉपी बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे अगर अभी फ्रोजा हॉराइज़न 4 एक रेसिंग गेम है और एसफॉल्ट 9 भी एक रेसिंग गेम है, तो ये नहीं कह सकते भाई फ्रोजा हॉराइज़न ने उसकी कॉपी की है या फिर उसने उसकी कॉपी की है। ये भाई एक पूरा एक अलग से कैटेगरी है, तो उसमें कोई कॉपी नहीं होता। तो इतनी कॉमन सेंस तो आप में भी होगा। तो ये है कुछ तीन हुए, तो तीन मेन पॉइंट है जो मेरे को लगे जो बड़े यूट्यूबर्स ने गलत कहे। और मेड इन इंडिया है, तो मैं तो कहता हूँ सपोर्ट करो, और 20% अपनी इंडियन आर्मी को जा रहे, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं मेनली मोबाइल गेम्स खेलता नहीं हूँ, लेकिन अगर फौजी रिलीज हुआ तो मैं पक्का खेलूँगा। और मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो। और बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता आपसे अगले वीडियो में, जब तक लिए गुड बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हम लोग 500 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, तो 500 करा दो। और मैंने कहा था ना एक सीक्रेट गेम आने वाला है, तो बस तैयार रहना।
तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, स्टे केयर एंड लव यू ऑल। आपकी वजह से मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हुए, तो आपको तो कुछ कह भी नहीं सकता। बस लव यू ऑल, गुड बाय।